की बरसों पुरानी मुराद अब होने जा रही है पूरी है। और राम के धाम अयोध्या में भूमि पूजन को भव्य बनाने के लिए खास तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। करीब 500 साल के बाद राम भक्तों की यह इच्छा पूरी होने जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद अयोध्या पहुंच रहे हैं। दोपहर के 1:30 से 2 बजे के बीच अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ प्रस्तावित राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियों की यहां पहुंच करके समीक्षा करने वाले हैं। ये बड़ी खबर। और देखिए, अब से लगभग 1.5 घंटे बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे अयोध्या। किसी भी तरह की कोताही ना रह जाए और भूमि पूजन के दिन सब कुछ भव्य और ठीक ढंग से हो, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच रहे हैं। इसी के साथ ये 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख लीजिए। 5 अगस्त को होना है भूमि पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 अगस्त को रहेंगे अयोध्या में। इसके अलावा आज है योगी आदित्यनाथ का दौरा। साधु संतों का उत्साह अभी से बढ़ा हुआ है और देखिए, आज पहुंच करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साधु संतों के साथ भी मुलाकात करने वाले हैं। खास बात यह कि तैयारियों का जायजा तो लेंगे ही, लेकिन COVID-19 को ध्यान में रखते हुए तैयारियां किस तरह की है इस बारे में भी पूछताछ करेंगे योगी आदित्यनाथ। स्टेप बाय स्टेप 5 अगस्त की क्या रूपरेखा होनी चाहिए और किस ढंग से कार्यक्रम होगा, इसके लिए योगी आदित्यनाथ आज पहुंच रहे हैं अयोध्या। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही खुद भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं और ऐसे में जब ये शुभ घड़ी आई है तो कोई भी कोताही ना रह जाए, इसके लिए आज योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर पहुंचने वाले हैं और उसके पहले तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। हनुमानगढ़ी के आसपास के इलाके में भारी फोर्स इस वक्त तैनात की गई है। इस वक्त हम हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह की सुरक्षा की तैयारियां हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अभी यहां पर आएंगे कुछ देर में, 1:30 बजे के आसपास आएंगे। उससे पहले ही यहां पर जमावड़ा लगने लगा है और ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से काफिला यहां से गुजर रहा है और पूरी तैयारी की जा रही है हनुमानगढ़ में कि सीएम आए, किसी तरह की चूक ना हो और उनको किसी तरह की व्यवस्था में कमी ना देखने को मिले। और इसके लिए यहाँ पर पुलिस अधिकारी तमाम मौजूद हैं, तमाम बड़े अधिकारी और उनकी गाड़ियों का काफिला यहाँ से गुजर रहा है। हनुमानगढ़ी में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है, पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है और सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है, जिससे कि जब योगी आदित्यनाथ यहाँ आए सुरक्षा का जायजा लेने के लिए, तैयारियों का जायजा लेने के लिए, तो उनको कोई कमी यहाँ पर नजर ना आए। आप देख सकते हैं यहाँ से एंट्रेंस है हनुमानगढ़ी में आगे जाने के लिए और पुलिस कितनी मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रही है। ये तस्वीरें जिसमें कि तैयारियां साफ नजर आ रही हैं कि आज जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आएंगे तो उसको लेकर तैयारियों में कोई भी चूक ना हो। तमाम पुलिस अधिकारी यहां पर लगे हुए हैं अपनी ड्यूटी में और पुलिस की गाड़ियों का काफिला आपने देखा किस तरह से जायजा लेने के लिए यहां पर पहुंची है। और साथ ही यहाँ पर जो वज्र वाहन होते हैं, जो एम्बुलेंस होते हैं, उनकी भी तैनाती अच्छी खासी तादाद में की गई है। सड़कों को आप देख सकते हैं किस तरह से साफ सुथरा किया गया है। आज लॉकडाउन है, यानी कि अयोध्या में लोग सड़कों पर नहीं निकल सकते क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो पल पल के अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अयोध्या से कैमरा पर्सन सुरेंद्र कुमार के साथ श्वेता जया पांडे, जी मीडिया। अच्छा, ये भी आपको हम बताएं कि अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा पुराना नाता है। वो पहले भी अक्सर अयोध्या आते रहे हैं। राम मंदिर निर्माण में उनके संघर्ष की कहानी ये बता रही है। अयोध्या से जी मीडिया संवाददाता श्वेता जया पांडे। इस वक्त हम अयोध्या के हनुमानगढ़ी में खड़े हैं। मेरे पीछे हनुमानगढ़ी का ये भव्य मंदिर और अब से कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ आने वाले हैं। और सीएम यहाँ कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं, बार बार वो यहाँ आते हैं और उनका अयोध्या से, हनुमानगढ़ी से गहरा नाता है। आदित्यनाथ का इस समय दौरा जो है वो भी बेहद खास है। एक तरफ जहाँ अभी कोर्ट में अर्जी दाखिल करके भूमि पूजन को रुकवाने की कोशिश की गई, तो सीएम ने आज दौरा करने के लिए जो एक प्रस्ताव रखा, आज जो वो आ रहे हैं, इससे संदेश भी देने की ये कोशिश है कि अब कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती और अब तैयारी भरपूर है भूमि पूजन की। इतिहास की अगर हम बात करें तो पहले से ही योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आते रहे हैं, अपने गुरु के साथ आते रहे हैं और अपने गुरु महंत अवैद्यनाथ के साथ योगी आदित्यनाथ यहाँ बहुत बार आए, उनका पुराना नाता है। और उनके गुरु या उनके गुरु के भी गुरु, ये पूरा जो एक साधु संन्यासियों का दल रहा, वो भी मंदिर निर्माण के लिए जो संघर्ष है उसमें लंबे समय तक लगा रहा। और आज योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर आ रहे हैं और उनके ही निगरानी में तमाम कार्य यहाँ पर चल रहे हैं और सीएम
के रूप में कम वो एक श्रद्धालु के रूप में ज्यादा अब देखे जा रहे हैं, एक मुखिया के रूप में ज्यादा देखे जा रहे हैं, और आज वो एक निरीक्षक के रूप में भी आ रहे हैं क्योंकि अब प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, भूमि पूजन है। तो इससे पहले आज वो आ रहे हैं, दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच में अयोध्या पहुंचेंगे और पहले हनुमानगढ़ी में यहीं पर वो आएंगे, दर्शन करेंगे, फिर राम मंदिर परिसर में जाएंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे। अफसरों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमि पूजन और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर समीक्षा बैठक होगी और आज बड़े साधु संतों से भी मुलाकात कर सकते हैं। पीएम के आने से पहले सुरक्षा कैसी है ये भी वो देखेंगे। इतिहास में नाम दर्ज हो रहा है यूपी के मुखिया का, और जिसके शासनकाल में मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है उससे कोई चूक ना हो, सुरक्षा में किसी तरह के कोई सवाल ना उठें, क्योंकि सियासी नजर भी है और धार्मिक नजर भी है लगातार योगी आदित्यनाथ पर। तो किस तरह से वो तमाम उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, सावन का ये महीना रिमझिम फुहार देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर पड़ रही है, और बेहद खास ये मौका है। अयोध्या के लोगों में इसको लेकर के काफी ज्यादा खुशी है और देख सकते हैं सुरक्षा के किस तरह से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। और अब बस कुछ ही घंटे में यहाँ पर सीएम आएंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं उसमें और क्या कुछ बेहतर करने की गुंजाइश है, उसको लेकर भी वो आदेश देंगे। तो बेहद खास है अयोध्या के लोगों के लिए, साधु संन्यासियों के लिए ये मौका। हनुमानगढ़ी अयोध्या से कैमरा पर्सन सुरेंद्र कुमार के साथ श्वेता जया पांडे, जी मीडिया। भगवान राम के भाई लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं। अयोध्या में भगवान लक्ष्मण का भी एक मंदिर है जिसकी एक अनूठी मान्यता है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि जीव जीव में प्रेम सिखाते इस मंदिर में क्यों कोई भी शख्स झूठ नहीं बोल सकता। हर युग में जब भगवान विष्णु ने अवतार लिया तो शेषनाग ने भगवान के साथ जन्म लिया, कभी बलराम बनकर तो कभी लक्ष्मण बनकर। ये अयोध्या है राम जन्मभूमि, लेकिन राम के जीवन से जुड़ा हर चरित्र कुछ न कुछ सिखाता है, जीवन जीने का तरीका बताता है। अब राम के छोटे भाई हैं लक्ष्मण और अयोध्या में उनका भी एक विशाल मंदिर है। आज नाग पंचमी का भी दिन है और भगवान लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। तो आम दिनों में यहाँ बहुत भीड़ होती थी, लेकिन इस वक्त कोरोना काल का है तो बहुत कम संख्या में भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं, और वो भी जो दर्शन करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान करते हुए। प्राचीन धर्म ग्रंथों के मुताबिक सहस्त्रधारा घाट सरयू तट के किनारे, इसी जगह पर लक्ष्मण ने वास्तविक शेषनाग रूप भी दिखाया था। इसी वजह से ये मंदिर प्राचीन शेषावतार लक्ष्मण मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है, जिसे राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। तो यह है भगवान लक्ष्मण का मंदिर, इकलौता मंदिर है अयोध्या में, शेषनाग का अवतार उन्हें माना जाता है और नाग पंचमी के दिन यहाँ पर आकर पूजा की जाती है, जल चढ़ाया जाता है। यानी राम की नगरी में भगवान लक्ष्मण का भी मंदिर है, माता जानकी का कनक महल है, तो हनुमान जी की हनुमानगढ़ी है। अयोध्या के लोग मानते हैं कि इस मंदिर में खड़े होकर कोई झूठ नहीं बोल सकता, जो भी यहाँ पर झूठी कसम खाता है 3 दिन में उसकी मृत्यु निश्चित है। यही बात मंदिर के पुजारी भी कह रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में यह अकेला मंदिर श्री लक्ष्मण जी महाराज का है। ये सामने सहस्त्र धारा है और इसी सहस्त्र धारा से सरकार निकले और यहाँ विराजमान हुए जो उज्जैन के अन्याय प्रिय राजा राजा विक्रमादित्य थे, उन्हीं को स्वप्न हुआ था कि हम त्रेता युग वाले लक्ष्मण जी हैं जो पाषाण रूप में पर्वती होकर के और जल समाधि में दबे हुए, हमको निकालो विराजमान करो। वही निकाल के सरकार को विराजमान करके और यहाँ पे बिठाए, पूजा पाठ होता है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर गजब का उत्साह है। उम्मीद ये भी है कि शेषनाग अवतार लक्ष्मण का ये मंदिर भी और भव्य बनेगा। यहाँ एक मान्यता और भी है कि यहाँ झूठा कसम नहीं खाया जाता, झूठा कसम खाने वाला आदमी जीवित नहीं रहता। जो चीज कोर्ट से फैसला नहीं होता है वो यहाँ फैसला होता है। अयोध्या धर्म नगरी है, ये प्राचीन मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, ये जीवन जीना सिखाते हैं। नाग पंचमी के पर्व पर शेषनाग पूजे जाते हैं यहाँ। ये मंदिर प्राणी मात्र से प्रेम करना भी सिखाते हैं। अयोध्या से रमन ममगई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मंदिर में खड़े होकर के कोई झूठ नहीं बोल सकता, और देखिए यही तो राम राज्य की कल्पना रही है शुरू से। मेरी सहयोगी श्वेता इस वक्त सीधा अयोध्या से जुड़ रही है मेरे साथ, तो श्वेता का ही रुख कर लेते हैं। श्वेता, आप मुख्यमंत्री बनने के बाद से योगी आदित्यनाथ यहाँ अब तक 20 बार आ चुके हैं, लेकिन इस बार का ये दौरा बिल्कुल अलग है पहले से। बिल्कुल,
इस बार का दौरा इस मायने में भी बेहद खास है क्योंकि अब प्रधानमंत्री को आना है 5 तारीख के वक्त में, दिन में, ज्यादा देरी नहीं है और उसके लिए तैयारियां किस तरह से चाक चौबंद हैं, इस पूरी जिम्मेदारी को जो देखना है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही देखना है। इसको इस तरह से समझिए, जैसे कि अगर किसी घर में कोई शादी ब्याह हो, कोई बड़ा आयोजन हो, तो घर के पिता और घर के बड़े बेटे की जो दो भूमिकाएं होती हैं, पिता की भूमिका में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकती हैं, तो घर के बड़े बेटे की भूमिका में आप उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को देख सकती हैं। वो इसलिए क्योंकि अभी पूरी की पूरी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधे पर है और इसीलिए वो बार बार यहाँ आते हैं। जब से ये कोर्ट द्वारा तय हुआ है कि अब यहाँ मंदिर का रास्ता साफ हो गया है, तब से लेकर अभी तक यही वजह है कि बार बार वो आते हैं। किस तरह की स्थिति है, क्या सुरक्षा है, किस तरह के हालात हैं, इसको लेकर के वो जायजा लेते हैं, जिससे कि अधिकारी भी इसको लेकर चुस्त दुरुस्त रहे, उनमें भी एक संदेश जाए, संत समाज और देश के आम लोगों में भी, अयोध्या के वासियों में भी, देश के लोगों में भी संदेश जाए कि कितने मुस्तैदी से उत्तर प्रदेश के मुखिया लगे हुए हैं और इसको लेकर के कितने संजीदा है कि तैयारियों को बार बार वो खुद देखने के लिए, खुद बताने के लिए आते हैं। और आज का मौका इसलिए भी खास है क्योंकि 5 अगस्त को जो प्रधानमंत्री आएंगे उस दिन क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, उसमें कौन कौन से मेहमान होंगे। प्रधानमंत्री आएंगे तो पीएमओ की तरफ से, हालांकि अभी पूरी तरह से साफ नहीं है कि कितने बजे कहां का कैसे कार्यक्रम होगा। जय जय राम। स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका। भूमि पूजन की तैयारी अयोध्या में हो चुकी है शुरू और कार्तिक के पहले ही दीपावली की तैयारी अयोध्या वासियों ने शुरू कर दी है। 5 तस्वीरें देख लीजिए एक बार फिर से आप। 5 अगस्त को भूमि पूजन की तैयारी और उसके पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का दौरा, बस कोई भी कमी ना रह जाए, पूरा विश्व देखे इस भव्य आयोजन को। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंच रहे हैं अयोध्या और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचेंगे भूमि पूजन में। और चलिए मेरे सहयोगी श्वेता लगातार बनी हुई हमारे साथ, तो रुख एक बार फिर से श्वेता का कर लेते हैं। कितना वक्त अभी बचा हुआ है श्वेता, कब पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज के उनके दौरे से जुड़ी हुई तमाम जो बड़ी बातें हैं वो बताइए। बिल्कुल, अब से लगभग 1 घंटे का वक्त बचा है शालिनी, जबकि यहाँ पर मुख्यमंत्री आएंगे हालात का जायजा लेने के लिए, सुरक्षा का जायजा लेने के लिए और क्या कुछ कमियां हैं उसको दुरुस्त करने के लिए वो आदेश देंगे। इसमें सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं होंगे बल्कि पूरा उनका गृह मंत्रालय होगा, पर्यटन विभाग होगा, पुलिस के तमाम बड़े आला अधिकारी होंगे, जिससे कि अगर कहीं भी कोई उनको कमी नजर आती हो, कोई भी आदेश देना हो, तुरंत उसी समय वो वहां पर बताएं और उसके बाद उसको लेकर के दुरुस्त किया जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री 5 तारीख को जिस तरह से आ रहे हैं, वक्त बहुत कम है और ऐसे में साधु संन्यासियों की, देशवासियों की, हर किसी की नजर है कि भूमि पूजन किस तरह से हो रहा है, उसमें कहीं भी एक चूक ना हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया राजा के तौर पर इस वक्त कौन है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ, और सबसे बड़ी उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरह से यहाँ पर तमाम तैयारियों को देखते हैं। जिस तरह से मैं पहले भी आपको बता रही थी कि घर के बड़े बेटे की जो भूमिका होती है किसी भी आयोजन में, शादी ब्याह में, वही एक भूमिका है और इसी वजह से बार बार योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। और ये देखिए माहौल यहाँ पर किस तरह से अयोध्या में है, साधु संन्यासी इसको लेकर के लगातार यज्ञ कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा यज्ञ कुंड आप देख रही हैं अयोध्या का, सबसे बड़े यज्ञ कुंडों में से एक अयोध्या का ये आपके सामने है। यहीं पर हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, राम की पैड़ी पर ये है और यहाँ पर हर रोज आयोजन किया जा रहा है कि कोई भी रोड़ा, कोई भी बाधा अब ना हो। हाँ। यानी कि भूमि पूजन में अब किसी तरह की समस्या ना आए, इसको लेकर यहाँ पर तैयारियां लगातार की कोशिशें लगातार बहुत ज्यादा रही, चाहे ये कहने को लेकर के कोरोना का ये वक्त है और चाहे हम ये भी कह सकते हैं कि मुहूर्त को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठाए गए। फिलहाल बहुत शुक्रिया श्वेता ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और सच्चाई यही है कि लाख कोशिशें कर ली जाए लेकिन 5 अगस्त को दिवाली जैसा माहौल अयोध्या में दिखाई देगा।